बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टीवी 99। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमा। मुल्क भर में जश्न विलादत नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई तस्को एहतिशाम और मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। जी जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के मशहूर चौक जंग बाजार में। तो जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जश्न ईद मिलादुल नबी की जो आमद की खुशी है वो लोगों में आपको पुरजोश नज़र आ रही है। लोग बहुत मज़े के साथ ईद मिलादुल नबी की मुबारक जो है वो बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं, मोहम्मद अफसल साहब अतारी। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने इंतजाम किया है, तो आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अफसल साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह सुल्ला करम जनाब। जी अफसल साहब, बताइएगा जरा ईद मिलादुल नबी के हवाले से थोड़ा सा हमारी नाजरीन को। इंशाल्लाह आज के रसूल से ईद मिलादुल नबी मनाते ही मनाते ने, तो अलहमदुल्ला अभी हर साल इतने मसलक इसलाम मसलक के करते हैं। भाई साहब अपने मेरे भतीजा ने भी भरा भी आ कमाल कर देंगे ने। बाकी हर आज के रसूल में मनाना चाहिए है। हमारे साथ यासर बिलाल मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं ईद मिलादुल नबी के हवाले से। जी यासर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल की तवज्जो से तमाम मुसलमानों को आज के दिन की हवाले से ईद मिलादुल नबी के सिलसिले से ये कहना चाहूँगा कि तमाम मुसलमानों को मिलाद की खुशियाँ मुबारक हों। आज विलादत का दिन है, आका की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का दिन है, और इस सिलसिले में तमाम मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। और यकीनन आज ये इससे बढ़कर खुशी हो ही नहीं सकती कि आज रहमतुल्लिल आलमीन आज इस वो पाक घड़ियां हैं, वो बाबरकत दिन है जिस दिन आपकी विलादत हुई, और इसी सिलसिले में लोगों का जोश रिपोर्ट कर रहे थे अली रज़ा और बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जंग बाजार फैसलाबाद में मदनी बर्तन स्टोर वालों की जानिब से अकीदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनोखा अंदाज, आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहाइफ पेश किए गए। रिपोर्ट करते हैं रिजवान मलिक। जी रिजवान मलिक, बताइएगा। हम बात करते हैं मदनी बर्तन स्टोर के ओनर शाहद नदीम मदनी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाहद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारा साला साल से प्रोग्राम चल रहा है, 25-30 साल से ये हमारी बुजुर्गों की याद ब्याद है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। देखें ये आने वालों की वजह से स्टॉल सजता है, जब वो आते हैं सरकार के बड़े मेहमान होते हैं, वो मेरे भी मेहमान होते हैं, तो मैं उनका भी मशहूर हूँ, टीवी 99 का भी मशहूर हूँ। मामला ये है, ये मैं 99 का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस स्टॉल पे आए और हमारी साथ हमारी रौनक को दुबाला किया। खासूसन बलखसूस 99 के न्यूज़ को ये हमारा इस्तकबालिये कैंप लगाया जाता है, इसकी बार रौनक आदमी जनाब आजी शाह नदीम मदनी साहब जो ये स्टेज की जीनत है, ये खुद ही स्टेज लगाते हैं। सरकार के मिलाद की खुशी में सभी लोग लंगर तकसीम कर रहे हैं, और सरकार के आमद पे आपके न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक आपके चैनल को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है। ए बाबा, ये काम करके कितना मजा आंदा? बहुत ज्यादा मजा आंदा, बड़ा सुकून होंदा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आपने हमें अपडेट किया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां गुलाम अहमदाबाद में सजाया गया कबड्डी मेला, जो के जुनेद मलिक और चौधरी दीता की याद में सजाया। इसमें चार टीमों के दरमियान नॉकआउट की बुनियाद पर मुकाबला हुआ। मुजीबुर रहमान साहिल, ए एच आतिफ और डॉक्टर सलमान ने हैसियत ऑफिशियल खिदमत सर अंजाम। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवी 99।